असलम फैंस एंड व्यूअर्स वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू द वीडियो दिस इज मी स्माइल यूनस एंड यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक सो गाइज आज मैं सेकेंड ओडिया के बारे में डिस्कस करूँगा बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान सो so, जैसे आपको पता है पाकिस्तान आर ना टून एल अपन दीरीज और बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए येट अगेन uh, लेकिन अगर मैं अफ़गानिस्तान के बारे में बात करूं सो पहले वनडे में जैसे आपने देखा कि वो 59 नाइन रन पर ऑल आउट हो गए पाकिस्तान 143 फोटी रन से जीत गया लेकिन सेकेंड ओडिया में क्या चीज़ ख़ास नज़र आई कि जिस तरीके से रमान अला गुरबाज और जिस तरीके से इब्राहिम जदरान ने बैटिंग की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है कि उन्होंने गेम को लंबा लेके किए और उन्होंने और उनकी शॉट सेलेक्शन अच्छी नज़र आई शॉर्ट सिलेक्शन इस मामले में अच्छी नजर आई कि उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉर्ट्स खेली थी उन्होंने ज़्यादा रिस्क फैक्टर इस्तेमाल नहीं किया था ये सबसे मुझे अच्छी चीज़ नज़र आई अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में सो so, ये मिस्टेक उन्होंने लर्न की थी सो so, ये मुझे चीज़ अच्छी लगी थी अफगानिस्तान बैटिंग की जानब से और सबसे ख़ास चीज़ ये लगी थी मुझे कि आप देखें प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली थी पिच तरा थोड़ा सा डिफरेंट था ऑब्वियसली बैटिंग पिच था सो आराम से आप अपने शॉट्स खेल सकते थे लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ नोटिस की हुई है मैंने कि अगर पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर्स नहीं चलते तो पाकिस्तान टीम के स्पिनर्स भी नहीं चलते सो ये सबसे बड़ा कंसर्न है बिफोर द एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले सो ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न कर, कर रही है ये चीज़ और जैसे अफ़ग़ानिस्तान ने खेला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की सिंगलें और डब्लें लेते रहे जब ज़रूरत थी फजूल की शॉट्स नहीं खेल रहे थे जो मुझे इम्प्रूवड चीज़ नज़र आई थी आ, सेकेंड ओडिया में सो दैट वॉज मच बेटर लेकिन अब पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में चले बात करते हैं पाकिस्तान ऑब्वियसली स्टार्ट तो बिल्कुल ठीक था अच्छा स्टार्ट था लेकिन जब एवरेज साढ़े छः साढ़े सात की थी सो so, उस टाइम थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि थोड़ा सा बाबर और इमामुलाक भी थोड़ा सा स्लो हो गए थे इवन तो बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है आ, ऐसा नहीं है कि वह हर वक्त ही स्लो खेलेगा या हर वक्त ही वो तेज़ खेलेगा ये कभी कभार ऐसे होता रहता है ज़ाहिर बात है बाबर एक बहुत बड़ा प्लेयर है सो उस पर इतनी ज़्यादा तनकीद मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है लेकिन फिर जैसे बाबर आउट हुआ पाकिस्तान की टीम जो है ट्रबल में नज़र आ रही थी वहां से पता लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल ये मैच हार जाएगी लेकिन इमाम पे मुझे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है ठीक है इमाम ने जैसे परफॉर्मेंसेस दिए हैं बड़ी ज़बरदस्त दी हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द कोच प्लान जो कोच ने प्लान दिया हुआ होता है सब प्लेयर्स को कि जी इनका स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए तो इमाम ये कर रहा था नाइन्टी रनस तो चले उसने किए थे लेकिन बॉल्स ज़्यादा कंज्यूम की थी उसने मतलब आप जब इमाम की मैं बैटिंग में चीज नोटिस करता हूँ जब चले फिफ्टी करता है ना तो वो ज़्यादा बॉल्स जो है ना फेस कर रहा होता है सो ये होना ही चाहिए कि अगर आप फिफ्टी करते भी हैं ना पचास बॉलों पर या हंड्रेड करते हैं हंड्रेड बॉल्स पे सो उस हिसाब से इमाम मेरे ख्याल कभी कभार अपने लिए कभी कभार खेलने लग जाता है तो उससे ये हो रहा था कि बाकी बैट्समैनों पर भी ये प्रेशर आ रहा था ठीक है मैच में तो पाकिस्तान बिल्कुल एक टाइम ऐसे लग रहा था ट्वेंटी नाइन चाहिए था चौदह बॉलों पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच तो हार जाएगा अब कोई पाकिस्तान जो है इस मैच में वापसी नहीं कर पाएगी लेकिन जिस तरीके से शादाब खान ने बैटिंग की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की मतलब आप देखें उस सिचुएशन में जैसे शादाब ने बैटिंग की है बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है उस सिचुएशन में जब मैच बिल्कुल ही मतलब पाकिस्तान हारा हुआ है बिल्कुल ही एटी नाइन्टी परसेंट चांस है अफगानिस्तान के पास कि वो सीरीज लेवल कर जाए वहां से आकर जो शादाब खान ने बैटिंग की है बहुत ही जबरदस्त बैटिंग है तो मैं समझता हूँ मैन ऑफ द मैच मैं तो शादाब खान को ही आ, दूंगा क्योंकि उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी उस सिचुएशन में लेकिन फिर वही कहानियां वही सिचुएशन हुई जो फेंटा लगाया नसीम शाह ने एशिया कप में वही किया उसने सेकेंड ओ में और वही सेम बॉलर थे फजल हक फरूकी सेम सिचुएशन में ग्यारह चाहिए छः बॉलों पे लेकिन जैसा नसीम शाह ने फिनिश किया बहुत ही जबरदस्त किस्म का फिनिश किया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अफगानिस्तान को क्रेडिट नहीं दूंगा मैं उनको क्रेडिट दूंगा जिस तरीके से उन्होंने फाइट की बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट की अफगानिस्तान ने मतलब आप देखें कि पाकिस्तान को टो टू टो, टो मैचअप दिया है पाकिस्तान को फ़ाइट दिए मुकाबला किया पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी अफ़गानिस्तान के लेकिन उनको कुछ चीज़ों पे अफगानिस्तान को ख्याल करना पड़ेगा ये जो छोटे छोटे ब्लंडर्स जो उन्होंने किए हैं ना लास्ट टू थ्री ओवर्स में वहाँ से ये मैच हारे हैं अब आप देखें रहमान जो अफगानिस्तान का फास्ट बोलर है उसको एटी रन पड़ गए अपने दस ओवर में फजल अकफरुकी ने इतनी बुरी बॉलिंग की है आ, लास्ट ओवर में जब छः रन चाहिए थे तीन या चार बॉलों पे तो वो तीन रन नहीं देने चाहिए थे तो ये छोटे छोटे ब्लंडर्स पे अफगानिस्तान को काम करना पड़ेगा अगर ये छोटे छोटे ब्लंडर्स नहीं करेंगे तो ये और बेहतर टीम बन सकती है सो so, पाकिस्तान टू नल द सीरीज तो अब पाकिस्तान को थर्ड ओडिया में अपनी बेंच को मौका देना चाहिए बेंच को टेस्ट करें फिर देखें कि बेंच कैसा परफॉर्म करता है तो चले आज के लिए इतना ही मेक श्योर कर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़